नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा का विधान और इसके संबंध में जो प्रचलित मान्यता है, कैसे इसका पूजन किया जाए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी देवी देवताओं के साकार स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी साकार और निराकार दोनों स्वरूपों में एक ही साथ पूजा की जाती है। साकार स्वरूप में हम जानते हैं भगवान शिव को हाथ में त्रिशूल, डमरू लिए, बाघ की छाल पहने हुए, जबकि अगर उनके निराकार स्वरूप की बात की जाए तो शिवलिंग के रूप में वह पूजे जाते हैं। शिव पुराण में कहा जाता है कि साकार और निराकार दोनों रूपों में भगवान शिव की पूजा कल्याणकारी होती है, लेकिन शिवलिंग की पूजा करना साकार स्वरूप से कहीं अधिक उत्तम है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके शिवलिंग पर विभिन्न प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के फल हमको प्राप्त होते हैं। महादेव के अतिरिक्त कोई भी देवता ऐसा कल्याणमय स्वरूप धारण नहीं करता है। भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और इस तरह की कथा हमें मिलती भी है। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, तब भगवान शिव लिंग स्वरूप में ही प्रकट हुए थे और इन दोनों लोगों ने उनका रहस्य पता करने की कोशिश की थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने गलती से झूठ बोला था, जिसका दंड भी उन्हें मिला था और पृथ्वी पर उनकी पूजा भी बंद हो गई। तो इसी शिवलिंग की पूजा से विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सामर्थ्य हासिल होती है, इसीलिए अवश्य ही खास तौर से सावन महीने में पूजा करनी चाहिए। तो पार्थिव पूजन करने से पहले पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए और इसको बनाने के लिए किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी को ले लें, फिर उस मिट्टी को पुष्प चंदन इत्यादि से शोधित करें। मिट्टी में दूध मिलाकर उसका शोधन करना चाहिए, फिर शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की क्रिया शुरू करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण मिट्टी, गाय के गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर किया जाता है। शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह 12 अंगुल से ऊंचा नहीं हो। इससे अधिक ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श कर जाए उसे ग्रहण ना करें। पार्थिक शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिवजी की आराधना से पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह सभी जानते हैं भगवान शिव कल्याणकारी स्वरूप के देवता हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा अर्चना करता है वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। शिव पुराण में लिखा है, पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करने की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। यदि प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया जाता है तो इस लोक के साथ परलोक में भी अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है। पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप किया जा सकता है। रोग से पीड़ित होने पर, समस्या आने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, वरना भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सर्वोत्तम है किसी भी साधना या पूजा के लिए। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का सरल विधान इस प्रकार से है। पार्थिव शिवलिंग पूजन से सभी मनोकामनाएं हमें मालूम है पूरी होती है। इस पूजन को व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है या दूसरों से भी करवा सकता है। प्रथम, किसी भी पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख या उत्तर की तरफ मुंह कर
मुनि आसन पर बैठकर गणेश भगवान को स्मरण कर आचमन, प्राणायाम और पवित्रीकरण का संकल्प करें। दाएं हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, पान का पत्ता एक द्रव्य के साथ निम्न संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार से लेते हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस् विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निहानि द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टा विशंति तमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तके देशांतर गते बौद्धावतारे अमुक नमानि संवंत सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानेषु स्थितेषु सस्व एवं ग्रह गुणगणा विशेषणम् विशिष्टम् अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नामकम् मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल दोष परिहार्थ श्रुति स्मृति पुरोणक्त फल प्राप्त यर्थी मन महा महामृत्युंजय शिव प्रीत्यर्थ सकल कामना सिद्ध्यर्थ शिव पार्थिवेश्वर शिवलिंग पूजनामहम एवं शिव शक्ति मंत्र जाप करिष्ये। यहाँ पर जहां जहां अमुक लिखा है वो आपको उस महीना या पक्ष या तिथि का नाम लेना होता है। इसके बाद त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला धारण करें और शुद्ध की हुई मिट्टी से मंत्र अभिमंत्रित करें, ओम ह्रीं मृत्तिकाये नमः। फिर वंग मंत्र का उच्चारण करते हुए मिट्टी में जल डालकर ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र से मिलाएं, ओम हराय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम महेश्वराय नमः बोलते हुए शिवलिंग माता पार्वती गणेश कार्तिक एकादश रुद्र का निर्माण करें। अब पीतल तांबा या चांदी की थाली या बेलपत्र केला पत्ता यह सब मंत्र बोलकर स्थापित करें, ओम शू लपाणे ये नमः ओम से 3 बार प्राणायाम का न्यास करें। न्यास की संक्षिप्त विधि इस प्रकार से है, विनियोग करेंगे ओम श्री शिव पंचाक्षर मंत्र वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री सदा शिवो देवता ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम मम सांब सदा शिव प्रीत्यर्थे न्यासे विनियोग कृषिद्ध न्यास करेंगे, ओम वामदेव ऋषे नमः श्री अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सांब सदा शिव देवताय नमः हृदय ओम बीजाय नमः गुहे ओम नमः शक्ते नमः पादे ओम शिवाय कीलकाय नमः नाभ ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे शिव पंचमुख न्यास करेंगे, ओम नं तत्पुरुषाय नमः हृदय ओम मम अघोराय नमः पादे ओम शिं साध योजाताय नमः गुहे ओम वाम वामदेवाय नमः मस्तके ओम यम ईशानाय नमः मुखे करन्यास करेंगे, ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नं तर्जनीभ्यां नमः ओम मम मध्यमाभ्यां नमः ओम शिं अनाम्बिकाभ्यां नमः ओम वाम अनिष्टिकाभ्यां नमः ओम यं करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः हृदय न्यास करेंगे, ओम ओम हृदयाय नमः ओम नं शिरसि स्वाहा ओम मम शिखाय वषट ओम शिं कवचाय हुम ओम वाम नैनित्राय वषट ओम यम अस्त्राय फट। यहाँ पर जो जो चीजों के नाम लिए जाते हैं उन अंगों को छू करके आप करते हैं, ध्यान करेंगे। उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा विधि इस प्रकार से है, में विनियोग करेंगे ओम अस्सी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा विषया ऋग्यजु सामे नीचन छंदांसी प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्तिम क्रौम कीलकम देव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग गल छोड़ देंगे नीचे ऋषि ध्यान करेंगे, ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र शुभ्य नमः श्री ओम ऋग्वजु साम चिच्छन्दुभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवताय नमः हृदय ओम आम बीजाय नमः गुहे ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयो ओम क्रौम कीलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब न्यास के बाद एक पुष्प या बेलपत्र से शिवलिंग का स्पर्श करते हुए प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोले, ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं अं शिवस्य प्राणा इह प्राणः, ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं शिवस्य जीव इह स्थितः, ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं हं
शिवस्य सर्वेन्द्राणि वामनस्तम चक्षुजो जिह्व प्राण प्राणिपाद पायुपस्थनि इहा गत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। अब नीचे के मंत्रों से आवाहन कर लेंगे। फिर मंत्रों का आवाहन, ओम भू पुरुषा सांब सदा शिव मावाहयामि, ओम भुवः पुरुषम सांब सदा शिव आवाहयामि, ओम स्वः पुरुषः सांब सदा शिव आवाहयामि। अब शुद्ध जल मधु गो घृत शक्कर हल्दी का चूर्ण रोली चंदन जायफल गुलाल बजल दही एक 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 करके इससे स्नान करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर चंदन भस्म अभ्रक पुष्प भांग धतूरा बेलपत्र से श्रृंगार कर नैवेद्य अर्पण करें और अब शिव शक्ति का मंत्र जाप कर लें। शिव शक्ति मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम शिव शक्तये प्रसीद प्रसीद ह्रीम नमः। अंत में कपूर की आरती को दिखाकर क्षमा प्रार्थना करें और मनोकामना निवेदन कर अक्षत लेकर निम्न मंत्र से विसर्जन करें और किसी पार्थिव को नदी कुआं या तालाब में प्रवाहित करें। जब आपकी सारी पूजा कंप्लीट हो जाती, कंप्लीट पूजा कर लेने के बाद में हमेशा के लिए, तो विसर्जन मंत्र किस तरह करेंगे, गच्छ गच्छ गुह गच्छ स्वस्थान महेश्वर पूजा अर्चना काले पुनरागमना च। तो इस प्रकार से पूरे एक कंप्लीट विधि के साथ में आप भगवान शिव की स्थापना से लेकर के उनके विसर्जन तक की पूरी यात्रा को इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यह एक विधि है जिसके माध्यम से हम भगवान शिव के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उनका मंत्र जाप करते हुए उसे स्थापित करके फिर बाद में उनके मूल मंत्र का जाप करते हुए उस शिवलिंग के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हुए विभिन्न प्रकार की जो रीतियां और पद्धतियां हैं उन सब का छोटा सा अनुसरण करते हुए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार हम जाप कर सकते हैं। और सावन के महीने में जबकि हम जानते हैं भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है ये महीना इन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है उनके शिवलिंग के पूजन के माध्यम से। तो यह एक सरल और संक्षिप्त विधि थी पार्थिव शिवलिंग के पूजन की, जिसके आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।